शराबबंदी के चंद्रपुर जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने वाले पीएसआई छत्रपति चिड़े की शराब तस्करों ने हत्या कर दी। पुलिस कर्मचारियों की संगठना पुलिस बॉयज संगठना ने शराबबंदी अंबल बजावनी राज्य के उत्पादक शुल्क खाते की ओर देने की मांग कर खलबली मचाई है। 6 नवंबर इसी महीने की घटना। नागभीड़ पुलिस थाने के प्रभारी थानेदार छत्रपति चिड़े अपने कर्तव्य पर तैनात थे। उन्हें एक स्कॉर्पियो वाहन से अवैध शराब आने की जानकारी मिली। उन्होंने बंदोबस्त लगाकर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन शराब तस्कर पीएसआई छत्रपति चिड़े इन्हें गाड़ी के नीचे रौंदकर भाग निकले। पीएसआई चिड़े इन्हें शहीद दर्जा देने के लिए हलचल शुरू हुई। शासकीय पद्धति से उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। परिवार को संरक्षण दिया गया, लेकिन इस घटना से शराबबंदी के निर्णय की जिले में अमल बजाव नहीं करने पुलिस सुरक्षित न होने का सामने आया। शराब तस्कर पुलिस के कितने कदम आगे होने का स्पष्ट हुआ है। सरकार ने इस घटना के बाद विविध उपाय की घोषणा की, लेकिन यह घोषणा और उपाय पुलिस कर्मचारियों के परिवार को समाधान करने असफल ठहरे हैं। पुलिस कर्मचारियों के परिवार की संगठना पुलिस बॉयज संगठना ने मुख्यमंत्री और पुलिस महासंचालक को निवेदन भेजकर शराबबंदी की अमल बजावनी करने के अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर देने की मांग कर खलबली मचा दी है। इस आशय का निवेदन इस संगठना ने महसूल और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों को चंद्रपुर में दिया। यह विभाग स्पेशल विभाग है, त्यांचं मंत्रालय वेगळा है, त्यांचे मंत्री पण वेगळे आहेत आणि दारू पकडण्याचं काम हे पोलिसाकडून काढावं अशी आमची पोलीस बॉय असोसिएशनची मागणी आहे। प्रमुख दहशत निर्माण झाली आहे सर त्यांची। एवढं मोठं प्रकरण झालं ते चिडे साहेबांचा, त्यांना म्हणजे ऍक्सिडेंट झाला, तो ऍक्सिडेंट नाही म्हणजे मर्डरच आहे तो तसा। आणि आता पोलिसांच्या म्हणजे त्यांच्या खूप भावना दुखावल्या गेल्या आहे आणि त्यांच्यामध्ये दहशत निर्माण झालेली आहे। आमची मागणी आहे की हे पोलीस खातं दारूबंदी जे आहे, दारूबंदीचं खातं वेगळं आहे, त्यांचे मंत्री वेगळे आहेत, त्यांचं सगळं वेगळं आहे, तर ते दारूबंदी त्यांच्याचकडे द्यायला पाहिजे, एक्साइजलाच द्यायला पाहिजे। राज्य में गडचिरोली वर्धा और चंद्रपुर इन तीन जिलों में शराबबंदी है। तीनों ही जिले में धड़ल्ले से शराब आने का चित्र दिखाई दे रहा है।